अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं आपका बहुत आसान और बहुत मज़ेदार, बिल्कुल हलवाइयों जैसी जलेबी बनाना सिखाऊंगी घर में, जो कि आप बना सकते हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट डाउन कर लें। तो इसके लिए हमने एक कप मैदा लिया है, एक कप हमने चीनी ली है और 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर घी लिया, आप ऑयल भी ले सकते हैं, और 5 ग्राम हमें या 1 पैकेट कीनो चाहिए। तो बाउल में हमने 1 कप मैदा शामिल किया है, इसमें हम 1 चम्मच घी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें कीनो डाल देंगे और इसका हम थिक सा बैटर तैयार कर लेंगे 1 कप पानी शामिल करके। रेसिपी बहुत आसान है, सारी चीज़ें आपने इक्वल क्वांटिटी में डालनी है। आप थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी शामिल करके इसका बैटर बना लें। यहाँ पे हमने इनो भी इसमें शामिल कर दिया, तो पूरा कप पानी हमने डाल दिया, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि बैटर अगर आपका बहुत ज़्यादा पतला होगा तो उससे भी जो आपकी जलेबी है वो बहुत ज़्यादा बारीक बनेगी, वो जलेबी तो नहीं लगेगी फिर। तो इस तरह से अभी हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी शामिल कर देंगे। आप इसको आप इसमें चाहें तो कलर ना डालें और डाल भी सकते हैं भी, आप जैसा आप मुनासिब समझें। तो इस तरह से हमारा थिक सा बैटर तैयार है। यहाँ से हम थोड़ा सा हमने जो जलेबी का ऑरेंज फूड कलर होता है या येलो फूड कलर, वो इसमें डाल के तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसको पाइपिंग बैग में डाल के तो इसको हम फ्राई करना शुरू करेंगे। तेल आपका ना कि बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा ठंडा। तो यहाँ पर हमने शीरा तैयार किया है 1 कप चीनी और 1 कप पानी के साथ। इस तरह से आपने खुला सा बर्तन लेना है, कढ़ाई में नॉर्मली जलेबियाँ बनाई जाती हैं, तो आप पाइपिंग बैग में डाल के तो आप इस तरह से गोल गोल जलेबियाँ बना के आप इनको फ्राई करें। जब आपको महसूस हो कि ये कड़क हो चुकी है तो उसके बाद आप जलेबी निकाल के फौरन आप ये जो शुगर सिरप यानी शीरा आपने तैयार करके रखा है उसमें आप इनको डाल के तो आपने बस 5 से 6 सेकेंड के लिए आप शीरे के अंदर इसको चम्मच की मदद से आप दबा के रखें। उसके बाद उसकी साइड चेंज करें और साथ ही आप इनको निकाल लें, क्योंकि अगर आप शुगर सिरप में बहुत ज़्यादा देर के लिए इनको रख देंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, कड़क जलेबी तैयार नहीं होगी इस तरह से आपकी। जलेबियाँ हमारी जो है ये फ्राई हो चुकी हैं, तो अभी हमने इनको इस तरह से शुगर सिरप में डाल दिया। इस तरह से साथ ही आप चंद सेकेंड्स के बाद इनको निकाल के तो आप प्लेट में रखते हैं। शुगर सिरप भी आपका ना कि बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, बस मुनासिब नॉर्मल टेम्परेचर हो, नीम गर्म होना चाहिए। और अच्छी जलेबी उसकी निशानी ये होती है कि जब आप उसको शुगर सिरप में आप उसको डालते हैं तो फौरन जो शीरा है उसके अंदर चला जाता है, वो जो पाइपिंग होती है आपको उसके अंदर शीरा नज़र आने लग जाता है। तो इस तरह से हमारी बहुत आसान और बहुत मज़ेदार जलेबियाँ तैयार हो चुकी हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें और ये रेसिपी ट्राई करके कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।